सोते हुए पति को चूमना प्यार की अदाओं में से एक खूबसूरत अदा है, लेकिन हिंदुस्तानी बीबियां सोते हुए पति की कभी जेब टटोलती हैं तो कभी मोबाइल। हाँ पति पत्नी में जोरदार झगड़ा हुआ, पत्नी घर छोड़कर अपने मायके चली गई। वो इतने गुस्से में थी कि रास्ते में ही पति को मैसेज किया, अपने मोबाइल से अब मेरा फोन नंबर भी डिलीट कर देना। पति ने जवाब दिया, Who is this? पत्नी बोली, आज ऑफिस से आते वक्त कोई हॉट आइटम डिनर के लिए लेते आइएगा। पति घर के अंदर अपनी रिसेप्शनिस्ट के साथ, पत्नी ये कौन है जी? पति, हॉट आइटम तुमने ही तो बोला था, अब इससे ज्यादा हॉट कोई समझ न आया मुझे। सभी शादीशुदा मर्दों को यह सूचित किया जाता है कि वो अपने रॉकेट को रात में 10, 11 और सुबह 6-7 बजे तक लॉन्च कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रॉकेटों को लॉन्च करके इस आयोजन को सफल बनाएं। एक कदम जनसंख्या वृद्धि की ओर। क्या आपकी मशीन 100% आउटपुट नहीं दे रही है? तो रात में सोते वक्त अपने औजार से उसकी सर्विसिंग जरूर करें। सुबह तक 100% आउटपुट देने के लिए रेडी हो जाएगी। अगर आपकी पत्नी शांत स्वभाव की है तो यह एक चिंता का विषय है, क्योंकि उच्च क्वालिटी की रिवॉल्वर में ही लाइसेंस लगा होता है। पास खड़ी बीबी नजर नहीं आती, पर दूर से आती हुई पड़ोसन साफ साफ नजर आती है। ऐसा नेत्र दोष भारतीय पतियों में होता है। मैं कब से पूछ रही हूँ अपने हस्बैंड से कि आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बस मुझे ही देखे जा रहे हैं, कुछ बताते ही नहीं। पति बोला, कल मेरे ख्वाब में एक लड़की आई। पत्नी, अकेली आई होगी। पति, तुमको कैसे पता? पत्नी बोली, उसका पति मेरे ख्वाब में आया था। पति बोला, आज रिम 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 बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मौसम बहुत सुहाना है, कोई ऐसी बात करो कि मेरे पैर जमीन पर न रहें। पत्नी ने कहा, फांसी लगा लो। पति पत्नी को लेकर पिक्चर देखने गया। पिक्चर हॉल में पत्नी लगातार पति से बात करती रही। तंग आकर उसने इंटरवल में पत्नी के लिए पान खरीदा और उसे दे दिया। पत्नी बोली, एक पान तुम भी ले लो। पति बोला, मैं तो बिना पान खाए भी खामोश रह सकता हूँ।